हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पहुंच गए अपने गांव और आज है भागवत का पहला दिन। तो हम दोनों रेडी हो गए हैं अभी कलश यात्रा के लिए। 10 बजे का टाइम है और वायु खुश हो रहा है हमारा। वायु ने भी येलो पहना है, सब लोग येलो येलो पहन रहे हैं। और आपको एक दृश्य दिखाएंगे कलश यात्रा का। पंडित जी ने बोला है सबको येलो कलर ही पहनना है। तो फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरा बच्चा भी रेडी हो गया है, क्यूटी क्यूटी। और ये वायु का भैया भी रेडी हो गया है, ये वायु की सिस्टर। बस अब हम लोग निकलेंगे कलश यात्रा के लिए और आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको। आज पहला दिन है, आज स्थापना होगी भागवत जी की। हाओ हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। ये हमारी दीदी का मेकअप हो रहा है। ये देखिए लहंगा पहनी हुई है येलो रंग का। क्या बात है दीदी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लाइनर है आपका। ये हमारी प्यारी भांजी सबके लाइनर लगा रही है, छोटी सी हैं लेकिन सब कर लेती हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। और ये हमारे वायु, कैसे लग रहे हैं टोपू लगा के? ये वायु के भैया शेरवानी पहन के आए, सभी दूल्हा दुल्हन बन के घूम रहे हैं। ये एक और दीदी है, वो भी तैयार हो रही है। हम पहुंच गए हैं गाँव। ये गाँव का कुछ नजारा, यहाँ रहते नहीं है लेकिन देखिए आप, सारा सामान ऐसे ही भरा हुआ रखा है। 600 रुपया भाई, दीदी तैयार हो गई है। ये समझ से स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल दीदी है। पूरी कौन सी दीदी भैया, तभी तो बता। सबसे स्मार्ट जी है, सबसे ज्यादा बोला है। सबसे ज्यादा बोलने वाली, जीव चलाने वाली। ये स्मार्ट भी है तो जीव जी चलाती है। स्मार्ट लोग ही तो चलाते हैं। आए बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, अच्छी लग रही है साड़ी, अच्छी लग रही है। वायु महाराज रो रहे हैं ना, मम्मा चाहिए अब, बहुत देर हो गई। और ये वायु की दीदी, मेरी भी दीदी, दोनों की दीदी। दोनों की दीदी, चल वायु अपनी बुआ के साथ है। ये वायु की बुआ है, सबसे बड़ी वाली बुआ। ये वायु की धीरे धीरे मेहमान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और बस अभी कलश यात्रा में निकलेंगे। आज मैंने पूरा चार्ज लिया है वीडियो बनाने का। ले लो चाबी, बिगड़ी बनाओ आएगा।
ओ जीवन दीवानी मेरा।
पैरा पैरा अरे ले ले आ जाओ कोई बात लो उधर खड़े हो जाओ भाइयो राम राम मारता जय राम जय श्री राम बिन ना समझ में आई हां मारता चलो कथा सुन हेरे परी तो फाइनली हम लोग वापस सुनने के लिए आ गए हैं। दीदी तो बढ़िया बना था मस्त बना। ये दीदी आ गई हैं भागवत सुनने के लिए ग्वालियर से और आपको दिखाते हैं भागवत का स्टेज सज चुका है। ये कथा वाचन के लिए स्टेज है। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम है, बस कलश यात्रा करके अभी फ्री हुए हैं, थोड़ा सा गैप मिला है। अभी पूरा पांडाल खाली है, बस हम ही आए हैं। ये देखिए आजकल सब लोग मूवी देखने जाएंगे लेकिन कथा सुनने के लिए किसी को टाइम नहीं है, पता नहीं क्या जमाना आ गया है। करो तुम वो बाबा डरा गए बाज ना लगाती तो भाई कुछ सुनी ना रहा मैं है आज चल घंटा लाए कर मैं घंटा ने बड़ा बोले बात कि अपने स्थान पर खड़े होकर पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती हरि राम यही हरि राम यही हरि राम